वो भी बहुत जगह से लैंडस्लाइड हो रहा है, ऊपर से पत्थर वत्थर गिर रहे हैं। दोस्तों बारिश ने ना बुरा हाल कर दिया है, पिछले 5 दिनों से बारिश रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। फिलहाल मैं आ गया हूँ, ये देखिए गोदाम रोड। सड़क दुर्घटना और बाढ़ वाड़ में काफी लोगों को काफी हानि पहुंची है। यहाँ पानी का बहाव इसलिए ज्यादा है ना। जल स्तर काफी बढ़ गया है, नदियों में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं लोग, पानी के नजदीक तो क्यों जाने हैं भाई, कैसी रोडों में बाढ़ आ रही है। गुड मॉर्निंग, एक नए दिन नए ब्लॉग में स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से गंगोली हाट से। आप लोग ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी नए लोग हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने लोग हैं प्लीज थोड़ा लाइक कर दो, थोड़ा सा उत्साहवर्धन हमारा भी हो जाए, और लाइक कमेंट जो भी आपसे हो पाए वो कर दीजिए। और आज के ब्लॉग की शुरुआत ऑब्वियसली मैं कर रही हूँ 11:30 बजे से। तो सुबह से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि थोड़ी बहुत बारिश रुके तो व्लॉग की शुरुआत की जाए, बट बारिश सुबह से तो छोड़ो, पिछले 3-4 दिन से मेरी छाता उड़ गई, छाती के अंदर से व्लॉग स्टार्ट कर रही थी मैं, तो मेरे साथ ये मतलब थोड़ा वो हो रहा है, हवा का झोंका लग रहा है मेरी छाते में। तो हाँ मैं बोल रही थी कि सुबह से हम लोग इंतजार कर रहे थे, बट पिछले 3-4 दिनों से बारिश कंटिन्यू चलती जा रही है, और इस बारिश के कारण ना बहुत से हादसे, सड़क दुर्घटना और बाढ़ वाड़ में काफ़ी लोगों को काफ़ी हानि पहुंची है। और जो हमारा पिथौरागढ़ वाला मोटर मार्ग है वो भी बहुत जगह से लैंडस्लाइड हो रहा है, ऊपर से पत्थर वत्थर गिर रहे हैं। तो मैं तो सभी से यही कहूँगी कि कोई भी इधर उधर ना जाओ, सब लोग अपने घरों में बैठे रहो, सेफ रहो, क्योंकि अभी इधर उधर जाना मतलब खतरे को मोल लेना। मैं तो मतलब न्यूज़ देखती हूँ ना, मैं शॉक्ड रहती हूँ कि लोग क्यों जा रहे हैं भाई घूमने उमने। कई जगह की न्यूज़ देखी थी मैंने, एक फैमिली बह गई थी महाराष्ट्र में, मतलब क्यों इस टाइम पे क्यों जा रहे हैं लोग, अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपनी फैमिली को रिस्क में डाल के क्यों जा रहे हैं घूमने के लिए। प्लीज़ सभी लोग घरों में रहो, और जो भी यात्रा वात्रा कर रहे हैं ये सब अभी मत करो, जान है तो जान है, क्योंकि इतने टाइम से बारिश हो रही है ना, जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है, नदियों में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं लोग, पानी के नज़दीक तो क्यों जाने हैं भाई, कैसी रोडों में बाढ़ आ रही है। जब मेरी छाता यहीं उठ रही है, देख रहे हो मेरे को यहीं रिस्क हो रहा है, मेरी छाता टूट जाएगी। तो फिलहाल मैं छत पे आई थी, मैंने कहा चलो व्लॉग शूट कर लिया जाए, थोड़ा बहुत मौसम का भी मुआयना हो जाएगा। मौसम एज यूजुअल जैसा देख पा रहे हैं, बारिश तो है, साथ में हवा वगैरह भी है, और आज हमारी टंकी भी नहीं भर पाई क्योंकि हम ऊपर आए ही नहीं बारिश के कारण, और खैर पानी यूज़ भी नहीं हो रहा है। तो अब मैं फिलहाल नीचे चली जा रही हूँ, काइनू को भी मैंने सुला दिया है, काइनू से आज थोड़ी देर में मिलाऊंगी आपको। अब यहाँ पे ना छाता बंद करना पड़ता है, तो सीढ़ी में ना जगह नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे कर देते हैं हम क्लोज, और दिखाती हूँ मैं माइक का फ़ोन लाई थी ना, तो बेचैनी हो रही होगी उनको, चलती हूँ मैं। ये सीढ़ियों में गिरने का भी बहुत डर रहता है भाई, स्लिपरी इतनी हो रही है ना, ये कैसे देख रहे हैं, इंतज़ार में होंगे मेरा फोन लाए तो मैं सांस लूँ, नहीं तो सांस अटका के बैठे होंगे बेचारे अभी तक, है ना। क्यों बिना फोन के आप सांस कहाँ ले पाते हो, ऑक्सीजन तो इसी से मिलती है शायद आपको। देख लिया पीछे क्या है, क्या है जूता, तो मैं देख ही रही हूँ वो जूता, पता 6 नंबर का है, मैं तो 7 नंबर पहनती हूँ, उल्टा मारूंगा सीधे 9 बनेगा। अच्छा मैं 7 नंबर के 2 मारूंगी तो सीधे 14 बनेंगे। ये देखो कपड़े वपड़े, ये कैप्स दिखाती हूँ, कैप्स का कलेक्शन 1 2 3 4 4 कैप्स धोई हुई है, जिनमें से 3 काली है, जैसे कि ये काले है। क्या देख रहे हो, इतना उदास किस लिए बैठे हो, बोर हो गया यार, 5 दिन हो गए। हाँ बहुत ठीक है, वहाँ अंदर पागल। ये देखो काइनू बेचारी हो ना, मैं व्लॉग बनाने के गई, इनके साथ छोड़ के गई, इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई, और ये सोई थी, उठ के रोने लगी, इसको जैसे मतलब ये नींद भी खुले ना, इसको चाहिए होता है कि मेरे पास में या मम्मी हो या पापा हो, स्पेशली मैं हूँ, तो इसलिए बोलते हैं कि मतलब अपना अपना काम सब अपने तरीके से करते हैं, मुझे बोलते हैं ना तू इन कामों में एक्सपर्ट नहीं है, तो आप भी हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो, क्यों रुलाया आपने मेरे भाव को। मैंने नहीं रुलाया, सॉरी बोलो, सॉरी काइनू, सॉरी मेरी बिट्टू, और रोने लग जाइए, सॉरी बोलने में और रोने लग जाइए।
चलो सभी दर्शकों को पहले काइनू की तरफ से प्रणाम, जय जय करो। हाँ पहले जय करो, आप जय करो काइनू। चलो पहले जय करो फिर करेंगे। समझ सकते हो कितनी ठंड हो रही है, पैरों में इतनी ठंड लग रही है कि रजाई वजाई हो रही है। काइनू काइनू को लग रहा है कि इन बेचारों को भी ठंड लग रही है करके, तो इनको भी रजाई के नीचे, इसको भी, इसको सबसे ज्यादा फर वाला है, इसको भी ठंड लग रही है, बताओ। काइनू लेकिन आपने जय नहीं किया। चलो पहले जय करो। 2 मिनट के लिए बाहर गया मैं, उतने में उठ के आ गई बाहर रोते रोते वो भी। और जैसा कि अभी स्नेहा ने आप लोगों को अपडेट दिया कि ये बारिश बारिश की वजह से काफ़ी सारे नुकसान वगैरह हो रहे हैं, तो इस पर गौर ज़रूर करना और अवॉइड करना इस टाइम पे कहीं पे भी जाना, खास तौर पर गाड़ियों से इधर उधर बिल्कुल भी ना जाए, जब तक बहुत जरूरी ना हो। सच में घर में रहना भाई साहब, मैं तो कहूंगी कहीं मत जाना। और सुबह सुबह आज मैं गंगोली आट में भी, वो गाड़ी आती है ना, वो कौन सी डस्टबिन, डस्ट उठाने वाली, क्या कूड़ादान वाली गाड़ी जो आती है, उसमें लगा हुआ था वो आज जोर जोर से ना, कि मतलब घरों से बाहर ना निकले हैं ये वो करके। तो ऐसे जागरूकता जरूर फैलानी चाहिए। और सोशल मीडिया का यही फायदा है, ये फायदा भी है कह सकते हैं, कि जैसे हमको किसी जगह पे जाना है तो पहले से हमें अपडेट मिल जाती है उस जगह के बारे में। पिथौरागढ़ वाली रोड के बारे में अगर हम जा रहे हैं तो पहले से पता चल जाता है कि लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और क्या मतलब कौन सी जगह पे कहाँ पे रोड खराब है, ये चीजें मतलब पहले से पता चल जाती है, पता चल जाती है। लेकिन हादसे जो होते हैं ना वो अचानक ही होते हैं, उनपे उनके लिए पहले से कोई अपडेट नहीं है, तो हादसे कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, इसलिए मतलब जब बिल्कुल ही ज्यादा जरूरी हो तभी। हाँ, सतर्कता बरतनी हमारी ड्यूटी है, बाकी हादसे तो होते ही है, मतलब अब हादसों का शिकार ना बने इसलिए घर पे रहना। आप लोगों को इधर उधर मत जाना कह के ज्ञान देके मैं खुद निकल गया हूँ, क्योंकि घर में बोर हो रहा था। तो ऐसे ही मार्केट, आज संडे है वैसे, संडे के दिन मार्केट तो बंद है, लेकिन कुछ खोज में निकला हूँ, देखते हैं कुछ मिल जाए तो। भाई साहब सुबह से एक बार भी अभी तक बारिश नहीं रुकी है, छाता तो पूरा उड़ जाता है लग रहा है अब। ये देखो कितना पानी बह रहा है, जबरदस्त। संडे की वजह से ना मार्केट बिल्कुल बंद है आज, कुछ कुछ बस खाने पीने वाली दुकानें दिख रही है। ये GIC साइड को भी ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद है, बस कुछ बहुत फ्रूट्स वगैरह की जो दुकानें हैं ना वो खुली हैं, और कुछ मिठाई विठाई वाली दुकानें बस। ATM ज़रूर खुला है। मैं निकला हुआ था समोसों की खोज में, लेकिन कहीं नहीं मिल रहे। खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हमें ज्ञान दे रहा था इधर उधर मत जाना और खुद निकल रहा है। मार्केट एरिया में जा सकते हैं, मतलब जहाँ कुछ हादसे हो सकते हैं वो वाले एरियाज की मैं बात कर रहा था। लेकिन बारिश झमाझम हो रही है, बिल्कुल भी फ़ोन वोन बाहर नहीं निकाल रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में फ़ोन वोन भीग जाएगा, कहीं नुकसान ना हो जाए बारिश के चक्कर में ना। बारिश ने ना बुरा हाल कर दिया है, पिछले 5 दिनों से बारिश रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। फिलहाल मैंने सोचा यार अगर समोसों के लिए आया हूँ तो थोड़ा बहुत आपको गंगोली हाट मार्केट के नज़ारे भी दिखा देता हूँ, बारिश के बाद मतलब बारिश में नज़ारे किस टाइप के दिख रहे हैं। तो वैसे ड्रोन होता ना, ड्रोन से काफ़ी अच्छे नज़ारे आते, लेकिन वही है दिक्कत, बारिश में उड़ा नहीं सकता। मैं कब से वेट कर रहा था कि बारिश हल्की रुकेगी तो मैं ड्रोन शॉट भी लूँगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है लग रहा है। फिलहाल मैं आ गया हूँ, ये देखिए गोदाम रोड, ठीक सामने पे है हमारे गोदाम, और ये नीचे जो रोड गया नीचे वाला, ये वाला रोड देखो, बाकी ये यहाँ पे स्टेशन है, बस वगैरह यहीं पे रुकती है हमारे यहाँ की। इस साइड को ना नाले में उतना पानी नहीं बह रहा है जितना हमारी साइड पोस्ट ऑफिस लाइन में बह रहा है, बहुत ही ज़्यादा।
ये यहाँ तो तब भी कम दिख रहा है। समोसे भी मिल गए, गर्मा गर्म जलेबी, गर्मा गर्म समोसे। अब यही इंजॉय करते हैं और क्या ही है। यहाँ पानी का बहाव इसलिए ज़्यादा है ना क्योंकि यहाँ बहुत जगह से पानी आ रहा है, अलग अलग नालों से होते हुए, और लास्ट में देखो एक क्या गजब बह रहा है, बहुत ज़्यादा लेवल पे है। बारिश और जो ठंडी हो रही है ना इस टाइम पे, उसका लुत्फ हम कुछ ऐसे उठा रहे हैं। दिखाना ऊपर को, ये चाय, जलेबी। जलेबी तो वैसे ज़्यादा हमको पसंद नहीं है, थोड़ा सा काइनो एक पीस खा लेंगे थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा ले आया। तो चाय, जलेबी और समोसे, पहाड़ी में बोले तो चाह, जुलिब और जुलिब, जुलिब और समोस समोसा जलेब और समोस 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 क्या होता है? बोलना ही नहीं आता। और राइमिंग मजा नहीं आया। खाने में हमारी काइनो क्या ही खाएगी काइनो आपकी? दूर से दिखाओ कैसी दिख रही है, बच्चू जैसी। चलो जलेबी खा के दिखा दो, तो थोड़ा सा दे दो इसके हाथ में जलेबी, थोड़ा सा देना, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो खा लेगी। चलो गाइनो पकड़ो, खाओ तो खाओ, कैसे खाता है बेबी? दिखाओ, मुंह में है, हो गया फिर। अब एक कपड़ों पे लगाएगी हमारे।